टू माई चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे घर में हरे मिर्च के चटपटे बुका अचार। आइए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 किलो मिर्चा ले लिया है, 1 पाव अदरक लिया है, हमने पचफूरन ले लिया है, इसमें मेथी, सौंफ, काला तिल सब मिक्स है, हल्दी ले लिया हमने 2 चम्मच, आधी चम्मच हमने अजवाइन ले लिया है, धनिया हमने ले लिया है 2 चम्मच, और हमने 4 चम्मच सरसों ले लिया है, पीली सरसों, स्वादानुसार नमक आप ले लीजिए, और हम 3 चम्मच नमक लिए, 1 खटाई है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सब्जी तेल लिया है 50 ग्राम, ये नींबू है, इसे हम काट के मसाले में मिक्स करें। देखिए फ्रेंड्स, अब अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस कद्दूकस में आप चाहे तो फूल भी सकते हैं, हम कद्दूकस करेंगे चिल्ली कटर में, इससे आराम से हो जाएगा। मिर्च को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, फ्रेंड बनाते हैं कद्दूकस कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम पचफूरन को भून लेंगे, हल्का भून के इसको हम दरदरा पीस लेंगे, धनिया को भी हल्का भून के दरदरा पीस के, अजवाइन को भी हल्का भून के दरदरा पीस लेंगे, और इसे भी इसे हम कच्चा ही पीस लेंगे, इसे हम नहीं लेंगे। और इसे हम मसाले को चल के तैयार करते हैं। मिर्चे को कद्दूकस कर लेते हैं, अदरक को भी कद्दूकस कर लेते हैं। हमने तावे को गर्म कर लिया है, इससे हम पचफूरन थोड़ा सा हल्का भून लेंगे, फिर इसको सिर पे पीस देंगे। कच्चे सरसों को हम इसी तरह कच्चा पीस लिए, उसे नहीं भूनना है। पचफूरन को हम हल्का भून के इसे हम पीस देंगे। धनिया को भी इसी तरह हम हल्का भून के उसको पीस देंगे। पीछे पर हमारा पचफूरन भून चुका है, अब इसे हम देखिए किटकिटाने लगा है, आवाज़ आने लगी है। मेरा पचफूरन इतना अच्छे से बनाएगा, इसमें आवाज़ आएगा, किटकिटाने लगा है अच्छे से, क्योंकि आप आवाज़ सुन पा रहे हैं इसकी। और इसे हम इसी तरह हल्का ब्राउन भूनने के बाद अब इसे हम सिर के पीस लेंगे। आप मिक्सी या सिर को किसी को भी पीस सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने मिर्चे को कद्दूकस करके एक बड़े कढ़ाई में ले लिया है। देखिए फ्रेंड, मैंने अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है, नींबू को हमने 2 भाग में काट लिया है, ये नींबू वाली मशीन से हम इसमें नींबू का को निचोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पचफूरन है, पचफूरन को मैंने हल्का भून के इसको हमने दरदरा पीस लिया है। आप सील पे या मिक्सी पे किसी भी चीज़ में आप पीस सकते हैं। और हमने थोड़े से नींबू को कम 6 नींबू है, 6 नींबू को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। मिर्ची में इसे हम डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। देखिए, और ये सरसों है, हमने इसको कच्चा भी पीस लिया है, और धनिया को भी हम हल्का पीस लिए हैं। ये सरसों का तेल है, हमने लगभग 2 कलछुल ले लिया है। आप इस शीशे के कंटर में, प्लास्टिक के डब्बे में भी आप बना सकते हैं। हम प्लास्टिक के डिब्बे में बनाए, बहुत आसानी से पक जाते हैं। लोगों का सोच होता है कि नहीं पकता है, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, प्लास्टिक के भी डब्बे में इसको पका सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस मिर्चे में हम जो अदरक कद्दूकस की है उसको हम डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है। इसमें हमने ये हल्दी जो 2 चम्मच लिया, ये भी हम ऊपर से डाल देंगे।
हम नमक भी डाल देंगे ऊपर से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पंचफोरन का मसाला हमने तैयार किया, इसे भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे। एक कच्चा सरसों है, इसे भी हम डाल देंगे। हमने इसको पीस लिया है। ये धनिया और अजवाइन को भी हम आपस में दरदरा पीस दिए, इसको भी हम डाल दे रहे हैं आपस में मिक्स है। और फ्रेंड्स, अब हम नींबू को मशीन लेके निचोड़ लेंगे। आप हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, हम मशीन से निचोड़ ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे नींबू को निचोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से निचोड़ दिया हमने, इसी तरह से हम सारे नींबू को निचोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, नींबू को हमने इसमें सारे नींबू को इसी तरह से निचोड़ लिया है। मशीन से निचोड़ने से होता है कि बिया हमारा इसमें गिरेगा नहीं, बिया मेरा मशीन नहीं रह जाता अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बस अब इसमें हम खटाई थोड़ा डाल लेंगे, दो चम्मच। अब इसे हम मिला लेंगे, सरसों का तेल डालेंगे। अब इसे हम मिला देंगे आपस में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। मिला के इसे हम धूप में 5 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे सिर्फ 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा धूप नहीं इसमें लगाना है। हमारा ये मिक्स हो चुका है। हम इसमें नींबू के जो छोटे छोटे टुकड़े, इसको भी हम डाल देंगे। इसे हम इस तरह डाल के फिर से मिक्स करके हम इसको भिगोने में भर देंगे। तो देखिए सर, हमारा ये मसाला हम मिक्स कर चुके हैं। देखिए सर, हमने कद्दूकस करके ये कितना टेस्टी मिर्च का अचार बनाया है। हरी मिर्च और नींबू और अदरक, हरी मिर्च नींबू अदरक का कितना तीखा चटपटा हमने अचार बनाया है। अब इसे हम डब्बे में रख दे रहे हैं। इसे आप जितने अच्छे से धूप लगाएंगे उतना अच्छा पकेगा, हम सिर्फ 1 हफ्ते। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा नींबू मिर्च और अदरक का चटपटा तीखा अचार बन के हमारा ये तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको तेल डाल के डिब्बे में, मैंने इसे भर के प्लास्टिक के डिब्बे में रख दिया। शीशे के कंटेनर में भी आप रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा अचार बन के तैयार है। सिर्फ 2 से 3 दिन धूप लगा के इसे आप सर्व कर सकते हैं। आपको अगर ये अचार टेस्टी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही टेस्टी रेसिपी देखें बेल आइकन पर क्लिक करिए। अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए,